वेलकम बैक गाइस। तो आज हम फ्लटर का इंस्टॉलेशन करेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें क्रोम में जाना होगा और वहां पे हम सर्च करेंगे फ्लटर। ओके, फ्लटर सर्च करते ही वैसे ही आपको एक रिजल्ट शो होगा, फ्लटर की एक वेबसाइट दिखेगी फ्लटर डॉट डेव करके। वहां पे इंस्टॉलेशन का आपको दिख जाएगा, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पे हमें क्या होगा, अब हमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है। तो यहाँ पे हम विंडोज पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है सिस्टम रिक्वायरमेंट। सिस्टम रिक्वायरमेंट में हमें विंडोज 7 से अप चाहिए, जो कि 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ओके, और आपको 1.32 GB मिनिमम चाहिए स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन। ओके, देन हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हमें फ्लटर SDK डाउनलोड करनी होगी। ठीक है, तो इस पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारी डाउनलोड हो जाएगी। ओके, तो जैसे कि मैंने डाउनलोड कर लिया है तो मैं इसको ओपन फोल्डर कर दूंगा। ओके, जैसे ही ओपन फोल्डर होगा तो हम वैसे ही क्या करेंगे, हम इसको करेंगे ओपन विद WinRAR। ओके, WinRAR करने के बाद हम इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट टू। एक्सट्रैक्ट टू करने के बाद हम विंडोज लोकल डिस्क सी में जाएंगे। ओके, और यहाँ पे हम क्रिएट न्यू फोल्डर करेंगे, न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम देंगे SRC। ओके, और SRC नेम देने के बाद ओके कर देंगे और ये एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो हम वेट करते हैं इसको एक्सट्रैक्ट होने, इतने हमारी एक्सट्रैक्शन होती है। इसके बीच में हम क्या करेंगे, हम इसको रन करने के लिए एक ID चाहिए होती है। ओके, तो ID के लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करने के लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो की यहाँ पे डाउनवर्ड जाएंगे, तो इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो लिखा होगा, वहां पे जाएंगे और एंड्रॉयड स्टूडियो पे क्लिक कर देंगे। ओके, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एंड्रॉयड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है हम उस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो का आपको एक बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे सब रेट टर्म्स कर लेनी है एंड देन ओके कर देना है और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन कर देना है। ओके, तो जैसे ही डाउनलोड होगा, ठीक है, ये डाउनलोड होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इतने हम देख लेते हैं कि हमारा ये एक्सट्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, तो ये होने ही वाला है हमारा। ओके, तो हमारा फ्लटर एक्सट्रैक्शन हो चुका है। तो हम देख लेते हैं ये काम हुआ है हमारा। तो हमने लोकल डिस्क सी में गए और यहाँ पे SRC के नाम से होगा, तो यहाँ पे फ्लटर का फोल्डर आपको दिख जाएगा। ओके, तो इतने हम वेट करते हैं जितने ये डाउनलोड होता है। सो वेटिंग फॉर 1-2 सेकेंड ये हो जाएगा। तो हम जैसे ही ओपन फोल्डर करेंगे एंड देन इसको इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर दूंगा इसको। ओके, इंस्टॉल करेंगे, जैसे ही हम नेक्स्ट कर देंगे एंड नेक्स्ट फ्रॉम हेयर ऑल्सो नेक्स्ट। अगर आपको कोई और स्पेस चेंज करना है, जैसे सी में कर रहा हूँ मैं, अगर आपको कोई और लोकेशन पे करना है वो भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। तो इतने में ये एक्सट्रैक्ट होके इंस्टॉल होता है। इतने हम क्या करते हैं, जो हमने फ्लटर जो इंस्टॉल किया था, फ्लटर को एक्सट्रैक्ट किया था, उसका हम क्या करेंगे, उसकी बिन में जाएंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जाके हम इसका पाथ कॉपी करेंगे। ओके, पे हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एड्रेस मिलेगा, तो कॉपी एड्रेस एज अ टेक्स्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम स्टार्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट वेरिएबल। तो जैसे ही हमें इन्वायरमेंट लिखेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा एडिट द वेरिएबल, तो इन्वायरमेंट वेरिएबल शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम पाथ पे जाएंगे तो पाथ पे हमें एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू कर देना है। न्यू पे करेंगे, जो हमने कॉपी किया था उस पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम ओके कर देंगे और देन अगेन ओके। और ये सब करने के बाद तो हम एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करेंगे। तो जैसे ही हमारा ओपन होगा आपको ये UI देखने को मिलेगा और यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगर के बाद हम प्लगइन्स में जाएंगे और यहाँ पे आपको मार्केट प्लेस दिखेगा। तो यहाँ पे आपको सर्च करना होगा फ्लटर के नेम से फ्लटर। ओके, तो सर्च इन मार्केट प्लेस एंड यहाँ पे हम देखने को मिल जाएगा फ्लटर और यहाँ पे हम इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे, फर्स्ट वाले पे फ्लटर, फ्लटर डॉट डेव पे यहाँ पे होगा, आपको मिल जाएगा। इंस्टॉल कर लेंगे हम इसको और दोनों को फ्लटर और डार्ट के लिए पूछेगा, तो डार्ट दोनों ही इंस्टॉल हो जाएंगे इसमें। ओके, तो हमारे पास और एक हम और सर्च कर लेते हैं डार्ट। डार्ट भी हमारे साथ इंस्टॉल हो चुके हैं। जैसे जैसे आप फ्लटर इंस्टॉल करोगे वैसे ही डार्ट ये इंस्टॉल हो जाएगा और हम दोबारा से
रिस्टार्ट आईडी पे क्लिक कर देंगे और रिस्टार्ट कर देंगे। हम अपने सिस्टम को भी एक रिस्टार्ट कर लेते हैं ताकि हम अपना सिस्टम चेक कर सकें कि ये सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। तो गाइज हमने सिस्टम रिस्टार्ट कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। तो सीएमडी टाइप करेंगे, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा और यहाँ पे हम फ्लटर की कमांड लिखेंगे, फ्लटर टाइप करेंगे। ओके तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फ्लटर की बहुत सारी कमांड आ चुकी हैं और इससे पता चलता है कि फ्लटर ने हमने फ्लटर को इन्वायरमेंट दे दिया है हमारे पीसी के अंदर। ओके तो यहाँ पे हम फ्लटर डॉक्टर करेंगे। फ्लटर डॉक्टर क्या है, फ्लटर डॉक्टर एक कमांड है जो कि आपको बताती है कि भी फ्लटर आपका बिल्कुल सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसमें आपके लाइसेंस, जैसे अभी लाइसेंस होगा तो आपको चेक करने के लिए आ जाएगा और आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे मुझे एक इश्यू शो हो रहा है जो कि क्या है, कनेक्टेड डिवाइस के नेम से है। ओके तो यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस तो मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, बट मैंने इसको लीव कर दिया और यहाँ पे एक ही इशू है मेरे पास। ओके तो ये हो जाने के बाद हम सब ओके हो जाएगा। बट अब ऐसा होता है कि कईयों के सिस्टम अच्छे नहीं होते। ओके तो सिस्टम अच्छे नहीं होते, लाइक भी एंड्रॉयड स्टूडियो से कंपेटेबल नहीं होते, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका ऑल्टरनेट ये है कि वी एस कोड होते हैं तो हम वी एस कोड डाउनलोड कर लेंगे। ओके तो वी एस कोड डाउनलोड करेंगे तो ये लाइट वेट आई डी है। ओके ये ऑल्टरनेट है एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए। आप हालांकि इंटेल आई जे भी यूज़ कर सकते हो अगर आपका सिस्टम अच्छा है, अगर आप पहले से फ्रेंडली हो इंटेल आई जे के साथ। आइदर आप कोई भी आई डी यूज़ करते हो, जैसे कि वी एस कोड, एंड्रॉयड स्टूडियो, इंटेल आई जे। ओके तो हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे हमारा वी एस कोड। ओके तो यहाँ पे जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जैसे ही डाउनलोड होते हैं हम इसको इंस्टॉल भी कर लेंगे। तो हम वेट करते हैं इंस्टॉल, इसके इंस्टॉल होने के लिए। और वैसे भी वी एस कोड बहुत अच्छा है और मैं भी खुद यूज़ करता हूँ वी एस कोड, बहुत अच्छा है, लाइट वेट आई डी है, आपको रन करने में कोई इशू नहीं आएगा। तो होप सो आप भी यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे से वी एस कोड को। ओके तो जैसे ही वी एस कोड डाउनलोड हो जाएगा हमारा, हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ओके तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही आएगा हम इसको एक्सेप्ट करके नेक्स्ट नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। ओके तो हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे फटाफट से। तो जैसे ही हमारा वी एस कोड इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद हम लॉन्च करेंगे इसको। ओके तो लॉन्च करने आपको यहाँ पे ये UI देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको एक्सटेंशन नाम से एक आइकन मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने से तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने एंड्रॉयड स्टूडियो में प्लगइन इंस्टॉल किए थे फ्लटर के, वैसे ही हम वी एस कोड में भी सेम वैसे इट इज़ करेंगे। तो यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। ओके तो यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद तो हम वैसे ही फ्लटर का इंस्टॉल करेंगे, ऐसे ही डार्ट का इंस्टॉल करेंगे। ओके हमारे फ्लटर के एंड डार्ट के प्लगइन्स इंस्टॉल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं फ्लटर एंड डार्ट दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। ओके तो अब हम क्या करेंगे, हमारा दोबारा से सी एम डी में जाएंगे एंड फ्लटर डॉक्टर अगेन टाइप करेंगे। ओके तो हम यहाँ पे फ्लटर डॉक्टर रन करेंगे तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड स्टूडियो भी देखने को मिल जाएगा और इसके साथ ये थोड़ा टाइम लेगा, तो हम देखने को मिल जाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो एंड वी एस कोड आपको सभी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओके तो आपका फ्लटर इंस्टॉल हो चुका है। आगे हम सीरीज में देखेंगे कि कैसे हम अपना एक फ्लटर प्रोजेक्ट बना सकते हैं और कैसे हम आगे उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दो। थैंक यू सो मच।